हेलो माय डियर फैमिली। तो फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है, कस्टमर ने केक तो बनवाया बट वो लेकर नहीं गए क्योंकि उन्हें केक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कुछ नया करने की कोशिश भी कर रहे होंगे। बस यही एक टाइम है जब आप कुछ नया सोच सकते हो, कर सकते हो। तो बस अपने अंदर के टैलेंट को पहचानो और खुद को सबसे अलग करो और बस धमाल मचा दो। आप जो काम करने वाले हो उस काम को हजारों लोग कर रहे हैं, कई कई सालों से कर रहे हैं, पर आपको अपने टैलेंट को कुछ इस तरह से दिखाना है कि आपको उस भीड़ से खुद को अलग कर जाना है, अपनी एक अलग पहचान बनाना है। यदि आप YouTube पर आना चाहते हो और आप ऐसा सोच रहे हो कि आपके पास किचन नहीं है अच्छा, घर नहीं है अच्छा, तो जब आपके पास अच्छा किचन होगा, घर होगा, तब आप YouTube पर वीडियोस बनाना शुरू करोगे, तभी आपको लोग सपोर्ट करेंगे। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मेरी YouTube फैमिली एक बहुत बड़ा एग्जांपल है जिन्होंने मुझे दिल से बहुत सपोर्ट किया है और यहाँ तक मुझे लेकर आए हैं। आपके पास जो है आपको उसी से शुरुआत करनी है। कभी ऐसा नहीं करना है कि आप अपने पेरेंट्स को परेशान करने लगे कि पहले किचन बनवा कर दो। जैसे मैंने शुरुआत की थी वॉलपेपर लगाकर, आप वैसे भी कर सकते हो। वॉलपेपर बहुत सस्ते होते हैं और जब आप उसे किचन पर लगा देते हो तो किचन का लुक भी बहुत चेंज हो जाता है। तो देर नहीं करनी है यार, थोड़े थोड़े से जुगाड़ करने हैं और बस YouTube पर वीडियोस बनाने स्टार्ट करने हैं। जरूरी नहीं है कि आप कुकिंग और बेकिंग ही करो। आपके अंदर जो भी टैलेंट है आप उसको लोगों के सामने लेकर तो आओ। जिस दिन आपको लोगों का प्यार मिल जाएगा ना, आपकी ऑडियंस ही आपको कभी नहीं गिरने देगी। बस आपको अपनी ऑडियंस के सामने रियल रहना है। यदि आपने मुझे शुरू से फॉलो किया होगा तो आपने देखा होगा मैं ऐसी कोई चीज आप सबके साथ शेयर नहीं करती कभी भी। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस ही हमेशा आप सबके साथ शेयर करती हूँ। मैं इसे ऐसे समझाऊँ यदि आपको, जैसे मेरे पास माइक्रोवेव ओवन नहीं है तो आज तक मैंने अपने किसी भी वीडियो पर माइक्रोवेव ओवन को लेकर कुछ भी नहीं कहा आप सबसे कि आप इतने टाइम तक बेक कीजिए केक, क्योंकि मैंने आज तक यूज नहीं किया है तो मुझे नहीं पता है। तो मैं दूसरों का देखकर आप सबके साथ नहीं कह सकती हूँ कि आप ओवन माइक्रोवेव ऐसे यूज कीजिए। जैसे अब मैं जल्दी माइक्रोवेव या ओवन परचेस करने वाली हूँ तो अब मैं आप सबके साथ फिर उसका एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि हाँ आप इसे इस तरह से यूज कर सकते हो, आप ऐसे केक बेक कर सकते हो। अभी तक मैं कुकर और कढ़ाई पर ही केक बनाती थी तो मैं वही चीजें आप सबको दिखाती थी और वैसे ही केक बनाना सिखाती थी। मैं हमेशा कहती हूँ आपकी YouTube फैमिली, आपकी ऑडियंस ही आपको आगे लेकर जाएगी, आपको कभी गिरने नहीं देगी। मैं खुद के लिए कहूँ तो हाँ मैंने मेहनत की है, तो 40% यदि मेरी मेहनत है तो 60% मेरे सक्सेस के पीछे मेरी YouTube फैमिली का प्यार और सपोर्ट है, जो मुझे मेरे हर वीडियो पर इतना प्यार देते हैं, कमेंट सेक्शन को फुल कर देते हैं, इतने सारे लाइक्स देते हैं और हर दिन मेरे वीडियोस का इतना इंतज़ार करते हैं, हक से कहते हैं कि दीदी आज आपका वीडियो क्यों नहीं आया। जिस दिन मेरा वीडियो अपलोड नहीं होता ना, सब मुझे कमेंट्स करते हैं दीदी 7:30 हो गया, आपका वीडियो अभी तक क्यों नहीं आया। तो मुझे बहुत खुशी होती है और उसी कारण से ही मैं हर दिन वीडियो अपलोड कर पाती हूँ। चाहे कुछ भी काम हो, अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है तभी मेरे वीडियोस स्किप होते हैं, अदरवाइज हर काम करते हुए भी मैं अपना वीडियो बनाती हूँ, ऑर्डर कंप्लीट करती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, पर टाइम से वीडियो ज़रूर अपलोड करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब फैमिली के प्यार और सपोर्ट की वजह से, वरना ऐसे कोई भी काम नहीं हो पाता है। आज मैंने ये सारी बातें आप सबसे इसलिए कही क्योंकि मैंने कई सारे कमेंट्स पढ़े थे, दीदी आप हमारी इंस्पिरेशन हो। तो आपका ये कहना मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यदि आपने मुझे इंस्पिरेशन माना है तो आपको सही डायरेक्शन देना ये मेरा भी एक फ़र्ज है। तो सबसे पहले आप सब भी अपने टैलेंट को इम्प्रूव करो और फिर YouTube पर आओ और मेरी तरह एक स्ट्रॉन्ग YouTube फैमिली बनाओ जो आपको हर एक कदम पर सपोर्ट करे। और आप सबके कई सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं कि दीदी आप कौन से ऐप से अपना वीडियो